हेलो स्टूडेंट्स, वी विल नाउ स्टडी मैथ ऑफ क्लास सेवेंथ एंड वी विल प्रोसीड फर्दर इन एक्सरसाइज 1.1। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स टिल सिक्स नंबर एंड टुडे वी शैल प्रोसीड फ्रॉम सेवेंथ। So seventh question is the sum of two integers is -68. If one of them is -62, then find the other. Question कह रहा हमारा seventh कि हमारे पास दो integers हैं जिनका sum है -68। मतलब sum of two integers is -68. One of those integers is -62. So we have to find a second one. Second integer we have to find. So let the second integer be 6. Let's consider the second integer be 6. Now according to question, what the question says? Question says sum of two integers means this plus this. So x -62 plus x is equal to -68. Now we will transpose -62. So x equal to -68 plus 62. So x equal to 6 minus. So this is our answer. हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि दो इंटीजर्स का सम है -68 और उनमें से एक इंटीजर है -62, तो हमें दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। तो हमने दूसरा इंटीजर मान लिया x। तो अब जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि उन दोनों सम को जोड़ने पे जो हमारा आंसर आता है वो आता है हमारा -68। तो हमने कर दिया -62 प्लस एक्स इक्वल टू -68। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस -62 को उधर ले गए, ट्रांसपोज कर दिया हमने। और हमें पता होना चाहिए कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी भी नंबर इंटीजर को, अगर एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका जो ऑपरेटर साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो जब हम -62 को उधर ले गए हैं तो हमारा वो हो गया प्लस का 62। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया x इक्वल टू -68 प्लस 62। जब हमने फिर सॉल्व किया तो ये माइनस का 68 है, ये प्लस का 62 है, हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ गया हमारा 6। और हम ऑपरेटर साइन लेते हैं बड़ी डिजिट का जो, और यहाँ बड़ी डिजिट थी हमारी 68, तो 68 का ऑपरेटर साइन माइनस, तो x इक्वल टू आ गया हमारा -6 एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 169। If one of them is -48, find the other. Question कह रहा है कि दो इंटीजर्स हैं उनका सम है 169। अगर उनमें से एक इंटीजर -48 है तो दूसरा इंटीजर हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेवेंथ क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको आप लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे। Now question number 9. Subtract the sum of 64 and -78 from the sum of 102 and -32. Question कह रहा है, 8th वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। It is same as 7th. 7th question की तरह same है and we will solve question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 64 एंड -78 फ्रॉम द सम ऑफ 102 एंड -32। मतलब हमें इसको और इसको जोड़ लेना है, फिर इसको और इसको जोड़ लेना है, और इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको आपस में घटा देना है। तो सम ऑफ 64 एंड -78 तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस -78
64 माइनस 78 इक्वल टू 14 माइनस का। नाउ सम ऑफ 102 एंड माइनस 32, तो 102 प्लस माइनस 32, तो 102 माइनस 32 तो आ गया ये हमारा 70। अब हमसे कहा जा रहा था कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम को, तो हमने दोनों का सम निकाल लिया है। एक का सम आया माइनस 14 और एक का सम आया है 70। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो हमसे ये कहा गया है इन दोनों के सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम से, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे जो आंसर आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो सेवेंटी माइनस माइनस 14, सेवेंटी माइनस माइनस प्लस 14, सो द आंसर इज 84। आप लोगों का आंसर आ गया 84। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा था कि 64 एंड 78 का हमें सम निकाल लेना है, 102 और 32 का हमें सम निकाल लेना है। उसके बाद जो इसका सम ऐड करने पे जो आंसर आए उससे हमें घटा देना है, इसको ऐड करने पे जो आंसर आए उसको। तो हमने वही किया है, 70 आया इधर, इधर माइनस 14 आया, 70 माइनस क्योंकि घटाना है तो माइनस माइनस 14, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो 70 प्लस 14 आंसर आ गया हमारा 84। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 48 एंड माइनस 58 फ्रॉम 102। मतलब माइनस 48 और माइनस 58 को जोड़ने पे जो आंसर आएगा उसको हमें घटाना है 102 से। तो टेंथ क्वेश्चन, सम ऑफ माइनस 48 एंड माइनस 58, तो माइनस 48 प्लस माइनस 58, माइनस 48 माइनस 58, 8 8 16, 106 माइनस का, ये आ गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा था कि इन दोनों को जोड़ने पे हमारा जितना आंसर आ रहा है उसको हमें घटाना है किससे, इससे। नाउ वन जीरो टू माइनस माइनस 106, तो 102 माइनस माइनस प्लस 106, सो द आंसर इज 208। ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल नाइन्थ क्वेश्चन के जैसे ही था। तो इसमें भी हमने वही किया है कि हमने जो है सम ऑफ माइनस 48 एंड माइनस 58 का सम निकाला है, तो माइनस 106 आ गया। उसके बाद हमें 102 से इसके इसको घटाना था, तो हमने वही किया, 102 माइनस माइनस 106, माइनस माइनस हमारा हो गया है प्लस, तो 102 प्लस 106 आंसर आ गया हमारा 208। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू टेल वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो और फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी फाउंड, मतलब सबसे छोटा इंटीजर हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, दिस इज ट्रू। द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, जो नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर, मतलब जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो हमेशा हमारा एक नेगेटिव इंटीजर ही होगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द सम ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन अदर नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, दिस इज एब्सोल्यूटली फॉल्स। जीरो इज स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जीरो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी से छोटा होता है,
ट्रू, माइनस 68 इज ग्रेटर देन 14, फॉल्स, क्योंकि माइनस 68 एक निगेटिव नंबर है और 14 एक पॉजिटिव नंबर है और हमें पता है कि जो भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे होते हैं। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स, द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी फाउंड। द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी फाउंड, या फिर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज इधर जीरो और इक्वल। सो स्टूडेंट दिस वॉज योर एक्सरसाइज 1.1 और हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में इन एक्सरसाइजेस को कर लीजिएगा, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को कर लीजिएगा। थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स एंड सो ऑन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।